झुंझुनू के उदयपुर वाटी से बसपा विधायक राजेंद्र सिंह गुड्डा एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल शुक्रवार को उन्होंने उदयपुर वाटी में सेवारत पीएचईडी के एईएन अशोक गुप्ता के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। वे केवल शब्दों से ही नहीं रुके बल्कि उन्होंने एईएन अशोक गुप्ता को नमक में हाथ डलवाने के लिए भी मजबूर किया। जानकारी के मुताबिक उदयपुर वाटी पंचायत समिति सभागार में विधायक राजेंद्र सिंह गुड्डा ने शुक्रवार को जनसुनवाई की। इसमें विधायक गुड्डा ने पीएचईडी के एईएन अशोक गुप्ता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। गुड्डा का आरोप था कि ठेकेदार से मिलीभगत कर विभाग का एईएन खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहा है। जनसुनवाई में ठेकेदार को बुलाया गया था लेकिन वो नहीं पहुंचा। इसके जवाब में सहायक अभियंता ने कहा, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, ठेकेदार को नोटिस भेजा गया है और उसका पेमेंट भी रोक दिया जाएगा। इस दौरान विधायक और विभाग के सहायक अभियंता में जमकर बहस भी हुई।